जय हिंद फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें सैलरी के बारे में डिटेल्स में समझाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भत्ता के बारे में, और इसमें हम संपूर्ण भत्ता को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगा अनुलाभ पर, और इनकम फ्रॉम सैलरी का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला चैप्टर देखेंगे, या दो चार प्रैक्टिकल इस चैप्टर का हम करवा देंगे। लेकिन उसके लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, आप लोगों को जो मैं अभी बता रहा हूँ ध्यान से याद रखना होगा, ताकि आपको आगे काम आए। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भत्ता क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति जब काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले यह बात करता है जो हमको कितना रुपया महीना या साल का देंगे। तो मान लीजिए 20,000 का महीना फिक्स हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। 20,000 का महीना, ये क्या हो गया? बेसिक सैलरी, समझ गए ना? किसी को 30,000 का पर महीना देता है, किसी को 50,000 पर महीना देता है, किसी को 5 लाख पूरे साल का देता है, पैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया इसका बेसिक सैलरी, ठीक है ना? बेसिक। और बेसिक सैलरी के अलावा बहुत कुछ नगद में दिया जाता है, जिसको हम लोग भत्ता बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। यानी कि बेसिक सैलरी अर्थात जो मूल वेतन होता है, उसके अलावा जो भी कुछ नगद में भुगतान किया जाता है, सब भत्ता कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी परिभाषा आपको लिख दिया, देख लीजिएगा, यही बात है। ठीक है, चलिए। भत्ता तीन प्रकार का होता है। एक होता है पूर्णतया कर मुक्त, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। देखिए नाम से स्पष्ट है, पूर्णतया मतलब 100% कर से क्या है? मुक्त। भत्ता तो है, नगद में तो मिल रहा है, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात जब टोटल सैलरी की हम गणना करेंगे तो इस कैटेगरी में जो जो अलाउंसेस आएंगे उसको नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं। चलिए आगे है आंशिक कर मुक्त। देखिए इसका नाम ही है आंशिक। आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग, मतलब कुछ भाग क्या? कर मुक्त। जितना मिल रहा है ना, पूरा का पूरा ना तो टैक्सेबल है, ना तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। उसके कुछ भाग, कुछ पार्ट पे ही टैक्स लगेगा। तो इस पे आपको कैलकुलेशन करना होगा, पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस पे। चलिए तीसरा है पूर्णतया कर योग्य भत्ते, मतलब इस कैटेगरी के जो भी भत्ते होंगे, जो भी अलाउंसेस होंगे, वो 100% सैलरी में ऐड किए जाएंगे। तो ये हो गया 100% ऐड नहीं करना है, ये है 100% ऐड करना है। इसका क्या होगा? तो आपको कैलकुलेशन करके फाइंड करना होगा कौन सा हिस्सा सैलरी में जोड़ेंगे अर्थात कर योग्य होगा, और कौन सा नहीं जोड़ेंगे अर्थात कर योग्य नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। थ्योरी जो पूछता है, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा भत्ता क्या होता है, भत्ते कितने प्रकार के होते हैं। 10 पूर्णतया कर मुक्त भत्ते का नाम बताएं, 10 पूर्णतया कर योग्य भत्ते का नाम बताएं, ऐसे ही करके क्वेश्चंस आता है। तो आपको जो मैं समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ जाते होंगे। अगर कोई कठिनाई होता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी ले रहे होंगे, तो उनको भी पता होगा जो वहाँ जो सर पढ़ाए होंगे और हम जो पढ़ा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। अगर किसी को कुछ लगता है तो वो भी कमेंट में बताएंगे, जो मैं जो समझा रहा हूँ, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए एक रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर कर दें, और लाइक तो बनता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो पूर्णतया कर मुक्त भत्ते में कौन कौन आता है, अर्थात जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। कर्मचारी को प्राप्त इन भत्तों की रकम को उनके सकल वेतन की गणना करते समय जोड़ा नहीं जाता, ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, और नाम से भी स्पष्ट है जो कर मुक्त। तो अब हम तो कर जिस पे लगेगा उसी को ना ढूंढ रहे हैं, तो कर मुक्त है तो उसको तो छोड़ देंगे। यदि स्पष्ट रूप से यह दिया जाए कि इतना धनराशि व्यय की गई है, तो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भत्ते की व्यय न की गई रकम उसके सकल वेतन में जोड़ दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, जो 20,000 रुपया दिया गया
उसमें से 10,000 खर्च किया, ये स्पष्ट कह दिया जाए तो 10,000 जो बच जाएगा ना वो ऐड हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहा हो तो पूरा फ्री है। जैसे पहला है विदेश भत्ता, यह भत्ता सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। यह पूर्णतया कर मुक्त है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाए जो मिस्टर राम एक कंपनी में कर्मचारी है और उनको विदेश भत्ता 5,000 का महीना दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है ये है कर्तव्य। देखिए नाम लिखा हुआ कर्तव्य पालन में हुए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ता। ये दिया क्यों जाता है, कोई ना कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इसमें ये समझने की आप जरूरत है, ये तो दिया जा रहा है कोई ना कोई काम करने के लिए। जैसे यात्रा भत्ता एक पहला है, तो यात्रा भत्ता दिया जा रहा है मान लीजिए 2,000 रुपया। ठीक है, चलिए ये 2,000 रुपया दिया हुआ है पर मंथ नहीं है। ठीक है, ये तो यात्रा पे देता है। अब इस 2,000 रुपया में इन्होंने खर्च किया 1,200, तो 1,200 ही फ्री होगा, 800 सैलरी में जुड़ जाएगा। दिया कितना मालिक 2,000 खर्च करने के लिए, ट्रेवलिंग अलाउंस, लेकिन खर्च क्या कितना 1,200, तो 800 पे टैक्स लगेगा। अब यहाँ देखिए 2,000 दिया, 2,000 क्या किया खर्च कर दिया, तो ये 2,000 फ्री हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल सा वे में बताएं तो कर्तव्य पालन में जो भी व्यय होगा वो फ्री होगा। अगर 100% खर्च हो गया 100% फ्री, 80% खर्च किया 80% फ्री, 20% खर्च किया 20% फ्री। क्लियर, तो चलिए इसमें पहला नाम आता है यात्रा भत्ता, यह यात्रा के लिए दिया जाता है, एक स्थान से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। फिर आता है दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस आने जाने के लिए प्रत्येक दिन। आता है सवारी भत्ता, कन्वेंस या कार अलाउंसेस, इसमें जितना खर्च कर देगा ना उतना ही फ्री होगा, पूरा खर्च पूरा फ्री, आधा खर्च आधा फ्री, तो आधा जुड़ जाएगा, जितना फ्री वो नहीं जुड़ेगा, जो टैक्सेबल होगा वो जुड़ेगा। ये होगा विद्योपार्जन यानी कि पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, एकेडमिक। फिर आता है वर्दी भत्ता, आप लोग देखते होंगे पुलिस सबको वर्दी रहता है तो वर्दी भत्ता दिया जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, तो वर्दी में जो खर्च कर दिया वो फ्री, पूरा खर्च कर दिया पूरा फ्री। अब आता है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भत्ता, यानी कि अलाउंसेस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भत्ता होता है वो फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक, उसमें टैक्स नहीं लगता है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, यानी कि यूनाइटेड नेशन से जो भी प्राप्त होता है वो भत्ता फ्री होते हैं। तो इतना नाम आपको याद रखना है, कौन कौन नाम हो गया एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। विदेश भत्ता ये पूर्णतया फ्री है, कर्तव्य पालन में जो भी मिलेगा, जैसे यात्रा भत्ता हो गया, फिर आगे आप देखेंगे दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, वर्दी भत्ता। चलिए अब हम लोग चलते हैं पार्शियली एग्जेम्प्टेड। पार्शियली एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है इस कैटेगरी के जो भी भत्ते होंगे उसका कुछ भाग फ्री होगा, कुछ भाग पे टैक्सेबल होगा। हमको ये निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो भाग टैक्सेबल होगा वो सैलरी में जोड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला आता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान में जो कर्मचारी रहता है ना तो उसके लिए देता है, जो आपको मैं चारे दे रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस, आप अपना वो किराया मैनेज कीजिए। तो इसमें दो बातें आता है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस में वो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए दो प्रकार का होता है, कर्मचारी जब अपने स्वयं के मकान में रहता है, दो ये दो ही बात हो सकता है, आप इम्प्लॉई है, आपको एचआरए मिल रहा है, तो आप या तो किराए पर लेकर रह रहे हैं या तो आप अपने मकान में रह रहे हैं। कर्मचारी जब अपने स्वयं के मकान में रहता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हो जहां उसको किराया नहीं लगता हो, तो जो भी एचआरए मिलेगा सबके सब टैक्सेबल हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, अपना मकान में रह रहा हो या ऐसा मकान में रह रहा हो जहां उनको किराया नहीं देना पड़ रहा है, तो ओवरऑल समझिए जो कर्मचारी को एचआरए मिल रहा है और कर्मचारी को हाउस रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो जो एचआरए है सबके सब टैक्सेबल होंगे। चलिए, अगर कर्मचारी किराए पर लेकर रह रहा है तो आपको कुछ शर्तें देखना होगा। शर्त क्या है वो आप देख लीजिए, पहला लिखना है आपको एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट। जैसे मान लीजिए 500 का महीना दे रहा है तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 6,000 होगा, यानी कि एक्चुअल एचआरए हो गया 6,000। अगर 2,000 का महीना दे रहा है तो 12 महीना में कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है ना, ये तो ये लिख देंगे एक्चुअल एचआरए। अब ये लिखा हुआ है रेंट पेड, तो हम सभी लोग जानते हैं जो अगर रेंट पे कर रहा है तभी फ्री मिलेगा, तो रेंट वो कितना कहीं ले रहा है, वो 3,000 का
रूम लेकर रखा है, 3,000 × 12 यानी कि 36,000 रेंट पे कर रहा है। अगर 5,000 महीना का रूम लिया है तो 5,000 × 12 60,000 रुपया, तो यहाँ पे रेंट पेड लिखेंगे, उसमें से घटाएंगे 10% ऑफ सैलरी। उस कर्मचारी का जो सैलरी होगा उसका 10% यहाँ पे घटाना, यानी कि रेंट जो पे कर रहा है उसमें से सैलरी का 10% आप घटा के यहाँ लिखेंगे, यानी कि एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, और 40% ऑफ सैलरी, या यहाँ कभी कभी 50% ऑफ सैलरी भी हो जाता है, यानी लिखा हुआ है 50% इन केस रिसाइडिंग इन दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, यानी कि महानगर चार है, दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता, अगर इस स्टेट में रह रहा है तो सैलरी का 50%, और अदरवाइज इंडिया के किसी भी कॉर्नर में रह रहा है तो 40%, इन तीनों में जो कम होगा वो फ्री होगा। सपोज कीजिए अगर ये कम हो गया सबसे, तो टोटल HRA फ्री हो गया, अगर ये कम हुआ, अक्सर यही होता है, तो ये फ्री होगा, तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे, तो ये होगा 60,000 मान लीजिए, ये हुआ 15,000, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ 1,00,000। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो होगा वो फ्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, जितना पे उसको नियुक्त किया है। अब DA महंगाई भत्ता होता है, इफ पार्ट ऑफ सैलरी, अगर सैलरी का भाग होगा तभी लेना है, पार्ट ऑफ सैलरी ये दिया होगा जो सेवा शर्त के आधार पे है, अवकाश ग्रहण करने में शामिल होता है, कमीशन, ये कमीशन जो होता है वो होता है फिक्स्ड, यानी कि बिक्री पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मनोरंजन या सत्कार भत्ता, ये इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये भी फ्री है पार्शियली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए, अगर दिया जाता है दोनों को, लेकिन अगर प्राइवेट कर्मचारी को दिया जा रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, अगर सरकारी गवर्नमेंट को दे रहा है तो मैक्सिमम समझ लीजिए 5,000 या सैलरी का 20%, दोनों में जो कम हो, तो उम्मीद कीजिए यही कम होगा, तो मैक्सिमम 5,000 फ्री होगा। जब आप सैलरी टोटल ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो उसमें टोटल इंटरटेनमेंट अलाउंस को जोड़ेंगे, डिडक्शन के समय आप इंटरटेनमेंट अलाउंस का 5,000 कम कर देंगे। आगे आते हैं, चलिए ये तो आपको बता दी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 20% ऑफ सैलरी मैक्सिमम 5,000, दिनों में जो कम होगा। चलिए आगे है, गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता कटौती 2002-3 से प्राप्त नहीं होते, यानी गैर सरकारी कर्मचारी निजी कोई संस्था में काम कर रहे हैं उसको इंटरटेनमेंट पर कोई नहीं है। अब आगे आता है यातायात भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को उसके आवास, उसके निवास स्थान से कार्यालय तथा कार्यालय से निवास स्थान वापस जाने संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता 1,600 प्रतिमाह विकलांग कर्मचारी के सामने 3,200 हो जाता है, कर मुक्त होगा, यानी कि 1,600 का महीना सबके लिए, और विकलांग जो है वो 3,200, ठीक है। चलिए आगे, शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, 100 प्रति महीना प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चा के लिए, अगर सिंपल वे में समझे जो एक बच्चा है उसको 100 फ्री, दूसरा बच्चा है 100 फ्री, यानी कि 200 रुपया फ्री होगा 2 बच्चा पर, ठीक है। मैक्सिमम मिल कुछ रहा है, अगर मान के चलिए मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 12 महीना में 2,400 फ्री, अगर मिल रहा है 3,000 तो 2,400 हो जाएगा फ्री, 600 पे टैक्स लग गया, यही आपको करना ही है। चलिए आगे है भूमिगत भत्ता, तो खानों में जमीन के अंदर आसमान या प्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त भूमिगत भत्ता 800 रुपया प्रति महीना तक क्या होगा, कर मुक्त होगा। छात्रावास भत्ता, जैसे उसमें था 100 रुपया प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चा के लिए, इसमें यह है 300 रुपया प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चा के लिए फ्री, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पार्शियली, और इसमें अब एक बच्चा है जो फुल्ली टैक्सेबल है, एक वीडियो और अलाउंसेस पे बनाएंगे और अलाउंसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।